नगर की राम राम। तो कैसे हो आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो जो है शाम से स्टार्ट हुई है और दिन आज शुक्रवार। तो अभी जो है मैं आज बना रही हूँ गवार की फली की सब्जी। तो अभी मैंने उन फलियों को धुल लिया था, मतलब सैनिटाइजर भी कर लिया और दो तीन बार पानी वॉश कर लिया है, थोड़ी सी देर के लिए सूखने के लिए रख दिया था, हल्की सी सूख चुकी है और अभी उन्हें काट लेते हैं और उबालने के लिए रख देते हैं। तो आज शाम के खाने में बना रही हूँ मैं। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ गवार की फली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अभी आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, सब्जी कट कर लेते हैं। गवार की जो फली है वो उबाल ली है और यहाँ पर एक टमाटर काट लिया है मैंने, प्याज काट लिया और साबुत धनिया, साबुत लाल मिर्च, अदरक सारे मसाले तैयार कर लिए हैं। तेल उठा लाई हूँ और सारे मसालों के डब्बे और किचन मसाला और यह कसूरी मेथी, ये सब चीज़ें मैं उठा लाई हूँ और गैस पर रखी हुई है मेरी कढ़ाई। तो चलिए उसमें अभी तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो चुका है और इसमें डाल देती हूँ मैं जीरा। तो अभी मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और इसके बाद मैं डाल दूँगी ये साबुत धनिया और साबुत लाल मिर्च। गैस को थोड़ा स्लो कर लेते हैं और अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। तो अभी मैंने इसमें प्याज गेर दिया है, उसे अच्छे से चला लेते हैं। तो मैंने धनिया को पीसा नहीं है, मतलब ऐसे ही साबुत ही डाल दिया है। आज इस सब्जी में मैं साबुत धनिया का यूज करती हूँ, पिसा हुआ कम यूज करती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। और चलिए अभी डाल देते हैं अदरक, सॉरी लहसुन, लहसुन भी डाल दिया है मैंने। गैस को तेज कर लेते हैं। तो अभी चलिए इसमें मैं आलू डाल देती हूँ, ये भी इसमें फ्राई हो जाएंगे थोड़े से, मतलब गलती जाएंगे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए बस ये जो है अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। तो बस इसको ज़्यादा लाल लाल नहीं करना है, बस ऐसा ही रखना है। और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर। गैस को स्लो कर लेते हैं और इसमें ऐड कर दूंगी मैं सारे सूखे मसाले, बस सारे सूखे मसाले क्या, हल्दी और मिर्च डाल दूंगी मैं। तो अभी मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और अभी डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च। तो कुछ साबुत बड़ी बड़ी भी पड़ी हुई है, कुछ पिसी हुई डाल दिया मैंने और इसको अच्छे से चला लेते हैं। तो थोड़ी सी डाल दिया मैंने इसमें कसूरी मेथी, इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्ज़ी, ये मैंने देखी है डाल के बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी डाल दिया और थोड़ा सा डाल देते हैं किचन मसाला। तो ये भी डाल दिया है और अभी इसे अच्छे से चला लेते हैं। तो चलिए अभी जो हमारी फलियाँ जो उबली हुई रखी थी वो इसमें डाल देते हैं। अर्चित को होगा छोटे हल्दी पीना होगा। तो ये सारी फली जो है मैं इसमें डाल दूँगी और चला दूँगी पहले इनको। तो अभी मैंने इसमें ये फली डाल दी है, उनको मैं अच्छे से मिला देती हूँ। ये बाकी की इसमें और ये भी डाल देती हूँ। अरे हो जाए चप्पल रहा पड़, बाहर तो ट्राई पड़ का आसपास भी दिखाई देगी, फोन से नहीं तुझे फूंगा पड़ कर खड़े हो, बदतमीजी दिखाओगे, समझदारी तो दिखाना था भाई। इधर लेके जा,
हाँ ये इस पर रुकराज की माता यहाँ करती नहीं है चढ़ जगह यहाँ गैस पर। रेखा ऐसी निकली, अभी मेरी सब्जी जो है छुक चुकी है और मैंने गैस को स्लो कर दिया। मैं इसको अभी थाली को मुंदा मार देती हूँ, ढक देती हूँ और ये बनने बन जाएगी। और ये सारे सूखे मसालों के जो डब्बे हैं इनको मैं अंदर रख आती हूँ। तो अभी मेरे मेरी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी थी। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए बिल्कुल दो ही आलू डाले थे, ज़्यादा आलू नहीं डाले हैं और दो सीटी में उबाल ली थी। बहुत अच्छी बनी है, देखने में तो ठीक लग रही है, मेरे को खाने में भी पता नहीं कैसी होगी। आप लोग बताइए कैसी लगी आप लोगों को। और यहाँ पर जो है अवनी और अरुका जो है वो नीचे जा रही है दूध की बाल्टी लेकर। मैं पीछे खड़ी थी, वीडियो बना रही थी, मैं चाहती तो मूसला खोल सकती थी पर मैंने नहीं खोला। बच्चे हैं, धीरे धीरे सब चीज़ों की आदत भी होनी चाहिए। इनको पक्के बनाना है ना कि कच्चे। तो दोनों दूध की बाल्टी लेकर जा रही थी अवनी, अवनी की नानी को दूध निकालना था। उसके बाद दोनों बच्चे रास्ते में यहाँ खेल रहे हैं गली में, कोई भी नहीं था ना, कोई बुग्गी वगैरह कुछ नहीं था। तो मैं यहाँ इनकी वीडियो बना रही थी, इनको देख भी रही थी क्योंकि यहाँ पर भी घर हैं खूब सारे, बुग्गी मोटरसाइकिल वगैरह आती रहती है, कभी चोट लग जाए। तो मैं इनकी निगाह कर रही थी और दोनों बच्चों ने खूब मस्ती की, यहाँ गली में खेल रहे थे, एक दूसरे को पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। और यहाँ मेरी गोद में खा रहा था, उन्हें देख देख कर बहुत चीख रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी देखिए मैं ऊपर आ गई हूँ छत पर और अभी मैं बना लेती हूँ रोटी। तो अर्जित को देखिए, वो मेरे पास ही बैठा हुआ है यहाँ पर, जो भी कभी बेलन उठाता है कभी कुछ उठाता है। तो चलिए अभी रोटी सेक लेते हैं। आ जाओ। उसके बाद यहाँ पर मम्मी जो है वो दूध निकाल रही थी, तो मैं मम्मी की थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। तो ये गायें जो है वही वाली है मेरे घर वाली, तो ये दूध दे रही है, दूसरे वाली का छोड़ दिया है अभी दूध निकालना। तो मम्मी दूध निकाल रही थी और मैं यहाँ थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। तो देखिए इसके गाय के आगे बछड़ा बांध देते हैं, वो अपनी माँ को आगे से मतलब चाटता रहता है और वो आराम से खड़ी होकर दूध देती है। ये देखिए ये लाल वाली है, अब इसका दूध छोड़ दिया है। ये भी हमारी घर की बच्ची है, इसको देखिए घास खाती है और खोर में पाँव टेक कर खड़ी हो जाती है। आप लोग बोलोगे कि भैया बैल को क्यों छेड़ रहे थे, उनके सर में चोट है कभी टक्कर मार दे। तो ये बैल इतना सीधा है कि मतलब बच्चे भी इसको आराम से छेड़ सकते हैं, खोल सकते हैं, बिल्कुल भी टक्कर नहीं मारता है। तो भैया इसके ऊपर को हाथ फेरे थे, देखिए कितने आराम से। तो अभी सारा काम मतलब ख़त्म हो चुका था, बस बर्तन साफ़ करने रह गए, थोड़े से इकट्ठे कर दिए, बस मैं मम्मी रह रहे थे खाने के बिना, बाकी सबने खाना खा लिया। यहाँ पर खा रहा है मैं, मम्मी खाना खा रहे हैं और छोटा भैया बैठा हुआ है यहाँ पर, और हम तीनों जने बात कर रहे थे और यहीं बैठी है मेरी भतीजी अरुका। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। आप लोग सोचोगे खाना दिखाया नहीं खाते हुए, तो वो मैं नहीं दिखा पाई, बस भूख लगी थी बहुत तेज़ खाने के लिए बैठ के डायरेक्ट, और जल्दी जल्दी मैं खा ला। और पीछे जो है छोटी भाभी जो है भैया के लिए दाल गर्म कर रही थी,
और भैया को मतलब मसूर की दाल में, मूंग की दाल में रोटी भिगोकर बता रखा है, तो वो दाल गर्म करने लग रही थी, भैया को रोटी भिगोकर खानी है, उसके बाद यहाँ पर अब नहीं कर रही है पढ़ाई। क्या काम कर रखा बेटे? मंटू ट्यूशन का ना? ट्यूशन वहाँ पे है ना, यहाँ पे बंद रहता है। ट्यूशन का काम कर रहे ना आप? छोटे हो? काम हो गया बेटे? हो गया तब हुआ। ठीक मेरे सोने बेटे बेटे टाइम। तो अभी मैंने सोचा वीडियो का एंड कर लेती हूँ, आप लोगों को अपनी भाभी से मिला देती हूँ। ये मेरी भाभी जी है, मैं वीडियो का एंड करने के लिए बैठी है, मेरे पास आकर बैठ गई। हेलो करो भाभी जी। हेलो हेलो। ये मेरे पास वाली भाभी जी है, बताइए कैसी लगी आप सबको? बहुत हंसमुख है, मेरे पास आती रहती है मुझसे मिलने के लिए। आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया उन्होंने। जो उन्होंने कह दी थी वो क्या नाम हो? क्या तो अरे तेरे भाभी ने कहा कि बहुत तेज बहू मम्मी कम भी आ रही तो क्या बात तो ऐसा है। हाँ खुश हो जाएगी देखते और क्या। चलिए अभी आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो बात करने से पहले मैं एक दो नाम लेना चाहती हूँ। एक नाम है लक्ष्मी जी, जिनका आज बर्थडे है, लक्ष्मी देवी, तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप इसी तरह अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करें। एक नाम है सुजीत सिंह, तो हेलो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, इतना सारा प्यार दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति ब्लॉगर आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट से बहुत ज़्यादा खुश है। कुछ लोग नेगेटिव भी करते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं, सबके जवाब भैया ने आज वीडियो बनाई है उसमें दे दिया है। तो ससुराल को लेकर आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे, तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो लोग वीडियो देख ले ज़रूर, आप लोगों को पता चल जाएगा मेरे बारे में, जो आप लोग सुनना चाहते थे वो भैया ने बता दिया है। और मेरे को है ना एक कमेंट आ रहा था कि जितना खाना तुम बनाती हो उतने हमारे कुत्ते और बच्चे खा लेते हैं। तो देखिए हमारे तीन टाइम खाना बनता है, सुबह दोपहर शाम। तो सुबह के नाश्ते में क्या करते हैं हम लोग, चने की रोटी खाते हैं, वो मैं आप लोगों को एक दिन ब्लॉग में दिखाऊंगी, मम्मी बनाती है चने के आटे की, और दोपहर में और शाम में। तो देखिए वो तो अपनी अपनी लिमिट होती है खाना खाने की, हम कोई चार खा लेता है, कोई पाँच खा लेता है, तो हमारे यहाँ तीन टाइम खाना बनता है, तो अपने हिसाब से ही खाते हैं हम लोग। फल फ्रूट वगैरह भी खाते हैं, दूध दही भी पीते हैं, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं खाते हैं। सब्ज़ी जितनी बोल रहे थे कि इतनी कम बनाते हो, वही काफ़ी होती है हमारे परिवार में, कि सूंघते हो क्या? सूंघते नहीं है, देखिए खाते हैं डियर, अगर बुरी लगे तो बात सॉरी, तो ऐसा नहीं है कि सूंघने के लिए बनाते हैं, खाते हैं, सभी खाते हैं, हम ही क्या, तो कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम, कम ही खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं बहुत सी, कम खाते हैं, ये नहीं कि मतलब खाते नहीं हैं। चलिए इस बात को भी छोड़ देते हैं। एक बात आप लोगों से बोलना चाहती हूँ मैं, आज की ससुराल को लेकर अभी बहुत सारे कमेंट थे, उनका जवाब भैया ने दिया है, और कुछ टाइम के बाद जाऊंगी मैं, वहाँ भी कुछ काम हो रहा है, वो मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, वहाँ जाकर ही दिखाऊंगी, या फिर आगे वहाँ जाकर पहुंचकर वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो आज तो भैया ने यूट्यूब पर आकर सारा सच बता दिया, क्या क्या सिचुएशन में हूँ मैं। सच में मैं, बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं, दीदी आप उदास रहती हो, हंसने की कोशिश करती हूँ। हाँ हर टाइम यही सोचती हूँ, मुस्कुराती रहूँ, चेहरे पर सिकन ना आए, उदासी ना आए। उदासी को अपने आसपास भी नहीं आने देना चाहती मैं, क्योंकि उस चीज़ से मेरी बच्ची पर फ़र्क पड़ता है। मेरी अम्मी मेरे को देखती है तो उसको लगता है कि मम्मी टेंशन में है, या मेरी आँखों में पानी देखती है तो पूछने लगती है कि मम्मी आप क्यों रो रहे हो। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी बात का फ़र्क थोड़ा बहुत मेरी बेटी पर भी पढ़ रहा है, आगे पढ़े, मैं उसको ये नहीं दिखाना चाहती कि उसकी मम्मी अपसेट है। घर में जो होता है वो तो बच्चे देखते ही हैं, चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों से दूर रहे, पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है। तो चलिए फिर आज मैंने आप लोगों को अपनी भाभी से मिलाया, बताइए कैसी लगी। और आज बनाई थी मैंने गवार की फली की सब्ज़ी, तो मैं जिस तरह से बनाती हूँ सेम मैंने ऐसे आप लोगों के साथ शेयर किया है। बनाने के और भी तरीके हैं, उबाल कर भुजी भी बना लेते हैं हम लोग, पर ऐसे बहुत टेस्टी लगी सब लोगों को। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। तो आज मिला है मैंने आप लोगों को अपनी पास वाली भाभी से, तो भैया भाभी ने मिलकर सोचा होगा कि चलो कुछ ज्योति के बारे में बता देते हैं, सो उन्होंने आप लोगों को बता दिया। तब तक के लिए बाय बाय। चाहती हूँ कि बहुत गंदा खाना बनाती है और इतना कम बनाती है, तो देखिए गंदे का तो मेरे को पता नहीं, जैसा आता है मैं तो एक बात जानती हूँ, जैसा भी मेरे को काम आता है, जो भी मुझ पे आता है, जो नहीं आता है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ।
कुछ लोग नेगेटिव उसमें ले जाएंगे मेरी बात को। देखिए मैं तो ये चाहती हूँ कि हर पल हर तरीके से हर एंगल से आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर करूँ, अपने घर का रूटीन, अपना रहना सहना, खाना पीना। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी मेरा नेक्स्ट व्लॉग शुरू होने वाला है, मैं नहा चुकी हूँ, मेकअप भी कर लिया है।